नमस्कार, मैं टीना राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं जीवन दर्पण मन की बात में। राजस्थान की एक मशहूर अदाकारा, कॉमेडी किंग के नाम से जानी जाने वाली वो खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने ढेर सारा काम किया, बहुत सारा स्नेह आप लोगों से पाया और अभी सफलता की उन ऊंचाइयों पर हम सबकी दुआएं, वो हमेशा उस सफलता को कायम रखे और ऐसे ही राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए ढेर सारा अच्छा अच्छा काम करके देती रहे। बिल्कुल आप सभी लोगों ने एकदम सही समझा, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की खूबसूरत अदाकारा ट्विंकल वैष्णव की। ट्विंकल जी, आपका पीआरजी स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले, जैसा कि हमारे यहाँ पे जितने भी कलाकार आए, हमने उनका पहला ही सवाल ये रखा है कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए, तो परिवार के साथ साथ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मेरी फैमिली में हम तीन जन हैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और सबसे बड़ी मैं हूँ। जी। और स्टडी मैंने 10th तक की है, आगे मैंने ड्रॉप कर दी है स्टडी और आगे अब करना चाहती हूँ तो अभी स्टार्ट करूँगी वापस। जी, बहुत खूब। आपके स्टडी ड्रॉप करने का कारण हम जान सकते हैं? कारण ये था कि मेरे लास्ट ईयर मेरे फादर जो उनकी डेथ हो गई थी। जी जी। तो घर में कोई था नहीं बड़ा घर संभालने वाला, तो मैं ही थी, तो उस वजह से मैंने स्टडी को काम की वजह से आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बिल्कुल जी। आपने यही फील्ड चुना या अगर सीधा सिंपल सा सवाल कहा जाए तो आप इस इंडस्ट्री में आई कैसे? मैं जब भी छोटी थी तो मैं स्कूल वगैरह में मेरा मतलब हॉबी थी डांस करना ये वो सब, तो छवलाल जी गहलोत जो है जी। मेरे फादर उनसे मिले एक बार जाकर और उन्होंने मतलब उनसे मुझे मिलवाया, उन्होंने मुझे देखा किया, तो बचपन से जब मैं 8 साल की थी तब से मैं उनके साथ जाती थी जी। जो अपने गवर्नमेंट शो जो पर्यटक विभाग की तरफ से होते थे गवर्नमेंट शो, तो मैं उनके साथ जाती थी और वो मुझे बहुत अच्छे से रखते थे पहले, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे करके जब ये एल्बम वगैरह होने लगे तो उन्होंने ही फर्स्ट एल्बम मेरा किया था, 3-4 एल्बम मैंने उनके साथ भी किए थे, छंवर जी माली जी। और फिर उन्होंने मुझे इनसे मिलाया, सजन सिंह जी गहलोत से मिलाया जी। फिर इनका भी बहुत अच्छा हाथ रहा मेरे ऊपर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया जी। जो आप देख ही रहे हो अभी जी। बिल्कुल जी। तो छंवर जी माली से लेकर पीआरजी तक के बीच में आपने कभी किन्हीं के साथ में और काम नहीं किया? नहीं नहीं, कभी ऑफर नहीं आया, या अगर आया हो तो? ऑफर तो आते थे लेकिन मैं कभी इन दोनों के अलावा कभी अच्छा किसी को माना ही नहीं, और मेरे को नहीं लगता था कि इन दोनों के अलावा कोई और भी अच्छा इतना काम कर सकता है जी। बहुत खूब। हम ये जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना आपकी एंगेजमेंट हुई है जी, तो क्या आपकी ये इसको लव लाइफ कह सकते हैं या आपकी फैमिली की तरफ से ये एक अरेंज मैरिज होगी? ये अरेंज मैरिज है, मेरी फैमिली ने करवाई है। बहुत बढ़िया, आप खुश हैं? जी बिल्कुल। आपको राजस्थान में कॉमेडी किंग कहा जाता है, बहुत खुश नसीबी की बात है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, सब इतना प्यार देते हैं, एक रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, सब दीदी कह के बुलाते हैं, अदरवाइज कोई नाम मतलब लेता नहीं, ऐसा कुछ भी गलत जवाब वगैरह नहीं बोलते मेरे को, सब दीदी बोलते हैं और तब वो बोलते तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मेरी एक इमेज अच्छी बन चुकी है सबके बीच में, बहुत प्यार मिलता है उन सबसे, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। आप कॉमेडी क्वीन से के नाम से टैग से ज़्यादा खुश हैं या जो आप शूटिंग करती हैं, आप सॉन्ग्स करती हैं, तो एक आर्टिस्ट के टैग से ज़्यादा खुश हैं? देखा जाए तो सबसे पहले मैंने सॉन्ग्स करना वो स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे मतलब सजन जी जो है उन्होंने कॉमेडी करवाई फिर, लेकिन गाने भी अच्छे हैं, मुझे सबसे अच्छे सिंगिंग लगती है। सिंगिंग अच्छी लगती है? आपने सीखी है कहीं से? सीखी नहीं है, मेरे फादर जो थे वो सिंगर थे जी, भजन वगैरह करते थे, वो भी भजन संध्या वगैरह करते थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया है, उनके सीखा हुआ ही आगे अभी तक चल रहा है मेरे जी। उन्होंने आपको सिंगिंग सिखाई या खाली भजन गाने सिखाए? उन्होंने भजन गाने सिखाए, कुछ पर्टिकुलर भजन आपको जी। सिंगिंग का बेसिक्स आपको नहीं मालूम है? ओके, क्योंकि इसके ऊपर भी आगे सवाल करना था, वो हम करेंगे, बट अभी सिंगिंग को साइड में रख के हम फिलहाल आपकी खूबसूरत एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, आपकी डांसिंग स्किल के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं होती तो आप क्या होती? क्या आपका आपकी रुचि क्या थी जब आप पढ़ाई कर रही थी, तो आपने कुछ कुछ दिमाग में सोचा होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है? जी बिल्कुल, मुझे एडवोकेट बनना था।
क्या बात है, तो अब आप आगे पढ़ाई करके क्या LLB करेंगी? जी, अगर मौका मिला तो। आप अपने आप को एक आर्टिस्ट ट्विंकल वैष्णव के रूप में देखती हैं या एक एडवोकेट ट्विंकल वैष्णव के रूप में देखती हैं? अगर आर्टिस्ट मैं अभी हूँ, अगर मैं एडवोकेट भी बन जाऊँ तो भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट आप डिसाइडेड नहीं है? आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छी हूँ या मैं एडवोकेट ज़्यादा अच्छी बनूंगी? अभी जो हाथ में है पहले उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ मैं, उसके बाद आप एडवोकेट जो जो हाथ में आएगा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, तो अभी जो पास में है तो उसके साथ। फिर भी एडवोकेट ट्विंकल वैष्णव या आर्टिस्ट ट्विंकल वैष्णव? अभी ट्विंकल वैष्णव, सिर्फ ट्विंकल वैष्णव। गुड गुड आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कॉमन सवाल होते ही हैं जब एक कलाकार या कुछ भी जो भी काम करते हैं वो जब घर से निकलते हैं कुछ करने के लिए, तो हजार लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, उनकी बात नहीं करते हैं, होने भी चाहिए वो, लेकिन हम बात करेंगे उन नेगेटिव लोगों की जिन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, आपको पीछे खींचने की कोशिश करी। क्या ऐसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? अभी तक तो मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले मेरे फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत, मतलब वो मुझे एक बेटी नहीं बेटा मानते थे हमेशा से, वो मुझे खुला छोड़ना चाहते थे कि भाई बेटा तो तेरी मर्जी जो हो वो कर तू, बस कभी मेरे को मेरा नाक नीचा मत करना बस जी। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी रिस्पेक्ट जो बनी हुई है वही बना के रखना, और मैंने वही कोशिश की कि मेरे पापा की जो रिस्पेक्ट है वो बना के रखूँ। तो मेरे पापा जो मुझे चाहते थे मैं वैसे ही बनना चाहती थी, और मुझे मेरे पापा चाहते थे कि मेरा नाम हो, मैं मेरा बेटा मेरा नाम बड़ाए करे जी। तो ऐसा आज तक तो मेरा कोई मिला नहीं जो मुझे नीचे खींचना चाहता हो या मेरी बुराई करे या फिर मेरे बारे में कुछ गलत बोले, और जो बोलता है तो मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं ना आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने वाले बहुत मिलते हैं। जी जी ट्विंकल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी सिंगर थे और आपको सिंगिंग में रुचि है, तो जब आप यहाँ पे आई थी तो आप सिंगर बन के क्यों नहीं आई, आप आर्टिस्ट बन के ही क्यों आई? क्योंकि उस टाइम मतलब इतना था नहीं अंदर गट्स सिंगिंग का, क्योंकि उस टाइम मैं सीखती थी और मेरे पापा सिखाते थे, उस टाइम भजन वगैरह गाते थे, उतना नॉलेज नहीं था क्योंकि पापा को टाइम नहीं मिलता था सिखाने का, लेकिन जब भी वो फ्री होते थे तो एक दो घंटा मुझे बताते थे कि ये भजन ऐसे गाते हैं, ये भजन ऐसे गाते थे, क्योंकि उनको भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे मतलब ट्रेन करते थे, काफ़ी कुछ बताते थे, समझाते थे, तो मुझे नहीं लगता था कि अभी मेरा टाइम है सिंगिंग करने का। जी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने शूटिंग करते करते सिंगिंग सीख ली साथ में और अब मुझे गाना चाहिए? जी, शूटिंग करते करते आपने साथ में सिंगिंग सीख ली? जी, शूटिंग करते थे फिर मुझे मतलब मम्मी बताते थे गाने वगैरह घर पे जी, तो मैं गाती और थी, का वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अब मुझे गाना चाहिए, गाना चाहिए। जी, इस पर फिर से बात करेंगे हम कि आपको आर्टिस्ट होने के साथ में एक सिंगर भी होना चाहिए, ये हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि आप जब इस इंडस्ट्री में आई थी, सुनने में आया ऐसा, शायद कहने के एक दो गाने हमने भी देखे हैं, आप भीलवाड़ी पैटर्न लेके आई थी, कुछ वक्त तक आपने भीलवाड़ी पैटर्न किया और फिर एकदम से आपने वो गेटअप यूज़ करने चालू कर दिए जो नूतन जी करें, ऐसा है मार्केट में कहीं ना कहीं, सब जानते भी हैं कि आपके ड्रेस, आपके सिर्फ अकेले के नहीं, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी ज्वेलरी, उनके मेकअप करने का तरीका नूतन जी के जैसा है, नो डाउट हम सब ने शुरू से सबसे पहले नूतन जी को ही ऐसे देखा है, तो इसके बारे में आपका नज़रिया या जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? मेरा जवाब तो यही है कि मैं जब भिलवाड़ी करती थी तो उस टाइम भिलवाड़ी चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन उस टाइम उसकी ज़्यादा डिमांड थी, और उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि कैसा डांस करना चाहिए, उस टाइम मैं स्टेज शो करती थी जी। तो स्टेज पे जो डांस चलता था वो यही चलता था सबसे ज़्यादा, उस टाइम घूमर पैटर्न नहीं चलता था जी। चलता था कहीं कहीं पे चलता था, जैसे अपने राज्य जोधपुर में चलता है घूमर पैटर्न, वो नहीं चलता है, लेकिन उस टाइम मेरे जो शो चलते थे वो सब नागौर साइड में चलते थे और वो साइड में घूमर पैटर्न नहीं चलता है। और देख, नूतन जी की कॉपी करना या उनके जैसे दिखना करना ये अलग बात है जी। और अपने राजस्थान ट्रेडिशनल के हिसाब से देखा जाए तो एक वो करते थे अलग बात है, मैं करती हूँ अलग बात है, और भी लड़कियाँ करती है वो अलग बात है, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ नूतन जी की, क्योंकि वो सच में एक अच्छी अभिनेत्री है, और मैं उनको फॉलो करती हूँ या नहीं करती ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी दिखूँ जी, तो मैं अच्छी दिखूँ इसलिए मैं अच्छी बन तैयार होती थी, अब मैं उनकी जैसे दिखूँ या ना दिखूँ वो मेरा मैटर नहीं है जी। बिल्कुल, आप कुछ नया भी तो ट्राई कर सकती थी,
ये राजस्थान है जी, राजस्थान वो भी जोधपुर है जी, ठीक है। तो यहाँ पे राठौड़ों की धरा ये, तो राठौड़ लोग है तो सब यही चाहते हैं कि हम एकदम ठरके से रहे। तो आपने राजपूती क्यों नहीं ट्राई किया, आप राठौड़ी बोल रहे हैं तो आपने वो बिल्कुल हमने राजपूती दे पहना है, ध्यान अभी अभी, अभी 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 कुछ गानों में आपने राजपूती तो फेमस होने के लिए तो पहना ना वो। हाँ लेकिन आपने शुरुआत तो नूतन जी की जैसे करी ना। शुरुआत देखा जाए तो वो एक मैटर नहीं करता उनके जैसे की है, अभी हार सेट वगैरह सभी पहनते हैं, लहंगा ओढ़ना सभी पहनते हैं। टॉपिक हार सेट नहीं है, टॉपिक है ओवरऑल गेटअप। अभी वो देखा जाए तो अभी उनको उनको कॉपी करना, अभी वो सबसे बड़े हैं, अब हाईएस्ट है वो सबसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम उनकी जैसे मैं बोला अभी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे झगड़ा करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है उनको देखना, उनका पहना हुआ सब कुछ, तो मैंने ट्राई किया। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब है ये। हमने सुना है कि आप बहुत ज़िद्दी किस्म की आर्टिस्ट हैं, सेट पे प्रोग्राम आप लाइव शोज भी करती है मालूम नहीं, हमने कभी नहीं सुना, बट हाँ शूटिंग पे हमने सुना है बहुत ज़िद्दी किस्म की आर्टिस्ट है, इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्यों, अगर है तो ऐसा क्यों? ज़िद्दीपन का ऐसा है कि मेरे को जो काम दे रखा होता है तो मेरे को वो लगता है कि मेरे को ये करना ही करना है, मैं उसको मतलब नहीं, वो आपके काम का जुनून हो गया जी, वो आपके काम करने का जुनून हो गया ज़िद्दीपन। पार्ट ऑफ योर वर्क, आप कैमरा के बाहर ज़िद्दी किस्म के इंसान है, सेट पे उसके बारे में बात हो रही है, आप नो डाउट आप काम में बहुत जुनूनी है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक एक छोटी सी बच्ची आती है नया नया, कुछ एक दो चार स्टेप लेके डांस करती है एंड देन सडन वो कॉमेडी किंग बन जाती है, तो ये जो सफ़र रहा ना तो वो जुनून से ही रहा है जी। बट आपका जो सेट पे जो ज़िद्दीपन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ज़िद्दीपन तो ऐसा है कि मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, और सबसे और छोटा मेरा भाई है, मेरी उससे बनती नहीं है, बहुत कम बनती है, क्योंकि जब वो प्यार करता है तो इतना करता है मुझसे सहन नहीं होता है, और जब वो झगड़ा करता है इतना करता है मेरे से सहन नहीं होता है। और पापा की भी मैं लाडली थी, उनसे मुझे बहुत प्यार मिला, तो इसी वजह से मैं ज़िद्दी हूँ, क्योंकि मुझे सबसे आगे रखा उन्होंने, उनका इतना प्यार मिला घर वालों में, तो मुझे सब बोलते थे कि इतना इसको लाड प्यार दे रहे हो, बिगाड़ दोगे बिगाड़ दोगे, लेकिन वो मेरा जिद है, मेरे पापा ने बोला मुझे कि आप फ्री माइंड रहो, तो मैं हमेशा से ज़िद्दीपन इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है जी। बिल्कुल, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस जैसे कि आपने एक्सेप्ट किया अभी कि जो हो रहा है मार्केट में वो सही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस तरीके के व्यवहार से आपके काम में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं व्यवहार से मतलब ज़िद्दीपन से? हाँ, आपके ज़िद्दीपन से कहीं ना कहीं आपके काम पे या आपकी जो पर्सनालिटी लोगों के सामने है उस पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, एक नकारात्मक जो सोच होती है ना वो पैदा हो रही है, क्योंकि एक हंसती खेलती कॉमेडी किंग ट्विंगल वैष्णव सेट पे बहुत ज़िद्दी किस्म की लड़की है, दोनों की इमेज रात दिन का फर्क है, आप डिफ्रेंशिएट करिए दोनों को, तो रात दिन का फर्क है दोनों में, तो काम पे बहुत फर्क पड़ता है इससे। क्या आपको मेरा जिद मेरे काम के लिए ही होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा काम और मेरा जिद एक होके मुझे नकारात्मक दिलाएगा। ओके जी, चलिए अच्छी बात है। एक और हमारे पास में आज इंटरव्यू लेना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मन की बातें हो रही है, हमारे पास में आपको लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, तो अगली आप किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लीजिएगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, ये लोगों के सवाल हैं, और हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कहीं पे कुछ रूमर है या कुछ सच्ची बात है तो उसके पीछे की ट्विंकल वैष्णव ये है, इसलिए ये सारे सवाल आपसे किए जा रहे। तो अगली आपके लिए कॉन्ट्रोवर्सी और जो सबसे मेजर कॉन्ट्रोवर्सी है वो ये कि ट्विंकल वैष्णव ने PRG में नूतन गहलोत की जगह ले ली या लेने की कोशिश कर रही है जी, इसके ऊपर आपका जवाब चाहिए हमें। मैंने उनकी जगह नहीं ली है और ना ही मैंने कोशिश की है कि मैं उनकी जगह लेऊं, क्योंकि मैंने अपना काम किया है, मेरे को सिंगिंग करनी थी मैंने की, मेरे को एल्बम करने थे मैंने किए, मुझे कॉमेडी करने को बोला गया मैंने कॉमेडी की, मैंने मेरे काम को तवज्जो दिया है, मैंने मेरे काम को दिखाया है लोगों को, तो उसकी वजह से अगर लोग समझते हैं या मानते हैं कि मैंने नूतन जी की जगह ली है तो ये उनकी प्रॉब्लम है या उनकी जो भी आप समझो उनकी प्रॉब्लम ही होगी, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि मैं उनको हटा के मैं अपनी जगह पे इमेज बनाऊं। आप समझे नहीं सवाल, ये नूतन जी की प्रॉब्लम नहीं है, हम वो बोल रहे हैं आपको जो लोग बोलते हैं,
उन लोगों को जवाब, लोगों को प्रॉब्लम है ना, उनको क्या प्रॉब्लम, जवाब दीजिए आप जी बिल्कुल, ऐसा मार्केट में ऐसी बात है, ऐसी बात है तो मेरे को नहीं लगता मैंने उनकी जगह ली है, वो आए काम करे तो उनकी जगह फिर से वही जगह है उनकी तो जी। बहुत खूब, चलिए हमने पहले भी सिंगिंग का टॉपिक हमने छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था नूतन जी की जगह को लेकर, नूतन जी की कॉपी करने को लेकर, पता नहीं कंट्रोवर्सी शायद हम लोगों ने जब भी सुनी कंट्रोवर्सी सिर्फ यही सुनी ट्विंकल वैष्णव इज इक्वल टू नूतन गहलोत एंड नूतन गहलोत इज इक्वल टू ट्विंकल वैष्णव, तो और किसी आर्टिस्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, पर्सनली लेने वाली कोई बात नहीं है, कंपैरिजन वही हो रहा है, इसलिए हम बार 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 उनका नाम लेके बात कर रहे हैं। तो ये है कि आपने स्टार्टिंग में ये बोला था कि मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है जी बिल्कुल, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आई एज एन आर्टिस्ट जी, उसके बाद में आपने काम किया काम किया काम किया एंड आपने सिंगिंग चालू की जी, यही चीज नूतन जी ने की, नूतन जी ने काम किया काम किया काम किया और सिंगिंग की, ट्विंकल जी ने काम किया काम किया काम किया और सिंगिंग की जी। तो कहीं ना कहीं ये या तो साबित हो रहा है या सबको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ट्विंकल जी जो है वो नूतन जी की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, शायद हो सकता है कि ये आपकी गलती रही हो कि आपने एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ सिंगिंग के लिए भी ट्राई उस वक्त नहीं करी, शायद अगर आप ऐसा करते तो आज आप इस सवाल से बच जाती जी, ये फैक्ट है, आज आपसे ये सवाल नहीं किया जा रहा था, बट ये उसको फुलफिल कर रहा है जो कॉपी वाली जो बात आती ना, तो ये एक और मसला है जो कॉपी करने वाली बात को फुलफिल कर रहा है, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया उस टाइम आपको कि मेरा पैसन है सिंगिंग करना, मुझे बहुत पसंद है सिंगिंग करना, ठीक है, और उस टाइम मैंने सिंगिंग नहीं की, उसका रीज़न ये था कि मैं अपने आप को नहीं मानती थी कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ अभी, तो उस टाइम मैंने सिंगिंग नहीं की। जब मेरे को लगा कि मैं अब सिंगिंग कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो है गट्स, मैं अब सिंगिंग कर सकती हूँ, अब मेरे गाने चल सकते हैं, या मैं अब फेमस हूँ तो मेरे साथ साथ गाने भी मतलब होंगे फेमस और अच्छा रिस्पांस मिलेगा उनको। नूतन जी को कॉपी करने की बात है तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने काम किया सिंगिंग की या मैंने काम किया सिंगिंग की, मुझे मैंने उनके बारे में कोई सर्च नहीं किया कि वो उन्होंने क्या क्या किया, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता है, मेरे को सिंगिंग करनी थी तो मैंने कर दी, अब लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है तो वो काम किया सिंगिंग देखे या काम किया सिंगिंग देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, वो देख रहे हैं लोग समझ भी रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे किए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, आपने जैसे बताया आपने लाइव शोज भी किए, आप शूटिंग में भी उतने ही खूबसूरत हैं जितने लाइव शोज में खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी एक एक सवाल है, शायद पता नहीं ये दर्शक जानना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन ये टीना जानना चाहती है कि अगर एक कंपैरिजन किया जाए लाइव शोज और शूटिंग में, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा पसंदीदा काम कौन सा है? इम्पोर्टेंट और ज़्यादा पसंदीदा काम शूटिंग है, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए मेरे शोज हैं जी। आपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम की बात करी, हम क्या इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी। आपको आपकी और फैमिली में कौन कौन है, क्या आपके पास ये आखिरी ही एक डिसीजन था कि आप जाएंगे, और देखिए आर्टिस्ट होना अलग बात होती है और एक डांसर होना अलग बात होती है, आपने यही डिसीजन लिया कि मुझे डांस करना और पैसे कमाने, आपकी फैमिली ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया? आपके फैमिली में और भी मेंबर्स होंगे, आपके दूसरे रिलेटिव्स होंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल ये सवाल लगता है तो आप जवाब ना देना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट क्योंकि आपने फाइनेंशियल कंडीशन की बात करी इसलिए। नहीं, जब भी मेरे पापा थे तब उन्होंने मुझे मेरे ऊपर कोई जोर दबाव नहीं डाला था कि आप काम करो और करो, लेकिन उन्होंने मुझे एकदम खुला छोड़ रखा था, तो मैं नहीं समझती थी कि मेरे को कमा के देना है या नहीं देना है, लेकिन मेरे उस टाइम मेरा पैसन था काम करना, मेरे को अच्छा लगता था तो मैं करती थी। सडनली पापा की डेथ हो गई तो फिर मैंने इसको अपना काम बना लिया कि अब मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर संभालना है मुझे, मेरा भाई छोटा है उसको पढ़ाना है, घर को संभालना है, मम्मी हाउसवाइफ है वो कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने अपने काम को मतलब बड़ा बना लिया, लेकिन काम मिलेगा कैसे उसके लिए मुझे शूटिंग वगैरह करनी पड़ी जी, तो जिससे नाम हुआ और मैं बिल्कुल हमारे सामने अभी। एक और सवाल है कि आपने काम अपना स्टार्ट किया और आज आप जहाँ पे हैं, इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात क्या रही, सबसे पसंदीदा बात आपकी?
वो तो हमेशा ही शूटिंग मुझे पसंद है, तो मुझे शूटिंग पे जाना बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें हम सभी से, एक लाइक हम जब शूटिंग करते हैं तो हजारों तरीके की बातें होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो याद रह जाती है, जो जहन में रह जाती है हमेशा के लिए, और हम अकेले बैठे उसको सोच के मुस्कुरा उठते हैं, ऐसा कुछ वाक्य आप शेयर करना चाहें तो? वो तो मेरी स्कूल लाइफ थी, ऐसा कुछ इस सफर में नहीं रहा कुछ भी ऐसा कुछ भी। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है, चाहे आपने गाया हो चाहे आपने उससे गाया ना हो और एक्टिंग करी हो, कोई भी जो आपको लगता है आपका सबसे पसंदीदा? सबसे प्यारा सॉन्ग मेरा केसरिया बालम है। केसरिया बालम जी, बिल्कुल जी। और उसके अलावा पता नहीं ये सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट जब एक लड़की होती है और वो आर्टिस्ट होती है तो ये टीना थोड़ी नॉटी टाइप की सी लड़की है, यू नो, तो आपके अलावा आपकी फेवरेट आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में कौन है? आर्टिस्ट सिंगिंग नहीं, सिंगर नहीं, जो एक्टिंग करती है, जो आर्टिस्ट है। अच्छा। वो अपनी राजस्थान इंडस्ट्री की, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं जिनका काम आपने, आपको शायद 4.5-5 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, इन 5 सालों में आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत काम, या आप बोल सकते हैं कि ये मुझे अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट है, या ये मुझे पसंद है, ऐसी कौन सी आर्टिस्ट है? ऐसा तो अभी कोई भी नहीं है। आपको वो ट्विंकल वैष्णव है जो मैं खुद अपने आप को मानती हूँ। हमने पहले भी बोला ना, ट्विंकल वैष्णव के अलावा ऐसी कौन सी आर्टिस्ट है जो जिनका काम आपको पसंद है? अपने राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो मेरे भाबो भोमली। नहीं, इन 5 सालों की, चलिए पिया जी की टीम, जब से मैंने राजस्थान को समझा है या जाना है तब से मैंने भूमली जो मतलब वो है उनको ही देखा है, उनको ही समझा है, उसके अलावा तो मैंने। चलिए अब थोड़ा थोड़ा निजी हो जाते हैं, थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं इस सवाल पे। पिया जी की 11 से 12 टोटल आर्टिस्ट हैं जी, उनमें आपके अलावा सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट आपकी कौन सी? यू नो, मतलब दिल से जब आप यहाँ आई थी, ये पहला सबसे पहला सवाल हम पूछना चाह रहे थे आपसे, बट नॉटी नॉटी सा थोड़ा फील हो रहा था, बट उसको थोड़ा एंड में रखा जी। कोई नहीं, कोई अच्छा काम नहीं करती। नहीं, काम सभी अच्छा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती काम कोई अच्छा नहीं करता, लेकिन मेरा पसंद किसी पे नहीं है, मेरी वैसी पसंद नहीं है जो मैं ऐसी, अमन आप समझ जाओ कैसी है, हम पूरी बात सुनना चाहेंगे। मेरी पसंद ऐसी नहीं है कि मैं मतलब जो काम कर रहे हैं या कर रहे हैं वो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, मैं वो नहीं मैटर करता है मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं पसंद करती बस इनका काम। उनका काम अच्छा है तो आप क्या पसंद नहीं करते, हम समझे नहीं आप। मैं मेरे को नहीं अच्छा लगता है उनके बारे में, मतलब उनके नाम वगैरह जो भी है लेना करना, सभी अच्छे हैं बस मेरे हिसाब से। कोई एक ऐसी नहीं है जी, कोई ऐसी नहीं है, एक सभी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, सभी अच्छे हैं। चलिए, मतलब आप इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपको कोई पसंद नहीं है। नहीं, मेरे को कोई पसंद नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे को सब अच्छे लगते हैं, जो मैं अभी एक का नाम लूंगी तो सभी बोलेंगे हम गंदे हैं क्या, तो इससे अच्छा है सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। आपने अपनी अपने अलावा किसी और फीमेल आर्टिस्ट के लिए कोई ओपिनियन नहीं बनाई? नहीं बनाया, क्यों बनाऊँ। सभी अच्छे ही हैं जी। और अब हम थोड़ा राजस्थान इंडस्ट्री से बाहर जाके बात करते हैं, आप इस इंडस्ट्री में आई, आपने बहुत नाम कमाया, शायद हमारी राजस्थान इंडस्ट्री के टॉप 30 गानों में, जैसा कि हमने सुना और हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, 11 सॉन्ग्स 11 कंटेंट आपके हैं, कॉमेडी के मिला लो, आपकी सिंगिंग के या आर्टिस्टिक वर्क के ले लो, तीनों को मिला के ले लो, सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है वो आपके हैं टॉप 30 में, राजस्थानी कंटेंट में, कहीं ना कहीं एक मुकाम आपने हासिल किया है। सेकेंडरी हम लोग आते हैं कि कॉमेडी किंग, शायद ये नाम का टैग किसी को नहीं मिला राजस्थान इंडस्ट्री में, या माफ़ी चाहेंगे अगर किसी को मिला हो और हमारे जहन से वो नाम निकल गया हो, बट PRG की बात करते हैं हम, RDC मीडिया की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप ट्विंकल जी की है, तो उस मोटिव को ध्यान में रखते हम बात करते हैं कि आपको एक टैग मिला हुआ है कॉमेडी किंग का, तो ये एक और मुकाम आपने हासिल किया, आपके गानों की व्यूअरशिप कमाल की है, एक तीसरा मुकाम आपने और हासिल किया, क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि इससे कहीं और आगे बढ़ के मुझे या हिंदी इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए या
पंजाबी, गुजराती, जो भी, व्हाटएवर, राजस्थान से एक स्टेप और बढ़ के किसी और इंडस्ट्री में काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, सोचा है मैंने बहुत, लेकिन अभी जो पास में है मेरे, मैं उसको नहीं खोना चाहती, क्योंकि मैं भूल नहीं करना चाहती कि अभी जो पास में है, वो कहते हैं ना, उसे भी खोया और नया पाने के चक्कर में, पाने में चक्कर में बोला, एक रोटी तो हाथ में आधी रोटी देख ना, ये हाफती रोटी में हाथ निकालना, क्या बात है, आपका देसी टोन, मजा आया हमें एक एक जोक सुनना है आपसे, अब हमें मजा आया आपकी ये बात सुनिए, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग भी उसी वजह से जबरदस्त है, आपके देसी टोन की वजह से, एक जोक तो आपका बनता है। मैं एक बार बीकानेर गई, बीकानेर गई तो बटे एक छोरो मिलियो मने, तो बोले मने कि ट्विंकल जी मैं थोड़ा घणो प्यार करूँ, तो मैं क्यों, मैं क्यों डप्पा, तू कहीं प्यार करे मने, एक थप्पड़ मारी नहीं तो सीधो जोधपुर भूके ला तू, तो मैंने कहे थोड़ो धीरे मार जो मने नागौर में काम है। बहुत खूब, बस आपकी इसी अदायगी के काफ़ी सारे दीवाने हैं, आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। अच्छा आपने, हमने शायद देखा नहीं, आप कभी अपने फैन से, दर्शकों से आप कभी इंटरेक्ट नहीं हुए डायरेक्टली, आपने किसी से कभी बात नहीं करी? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने फैन से डायरेक्ट बात नहीं करेगी तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार के बाद वो आपको लाइक करना कम कर देंगे, या लाइक कि ये बात ही नहीं करते हैं, इन्होंने अपना कंटेंट शूट किया, डाला, हमने देखा एंड हो गया, अपने लोगों से इंटरेक्ट होने की कोशिश नहीं करी? ये भी हमारे ही लोगों के बीच का सवाल है कि वो कभी लोगों से इंटरेक्ट नहीं होती हैं, शूट पे जितना दे दिया, ये एक कॉन्ट्रोवर्सी है आपके लिए, ये भी शूट पे जो मैटर दे दिया, बुलवा दिया, वो उन्होंने बोल दिया, उसके बाद ख़त्म, वो उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? उसके बारे में ये है कि मतलब जैसे स्टेज पे कॉमेडी करना अलग बात है और एक कैमरे के सामने कॉमेडी करना वो एक अलग बात है, तो स्टेज पे करते हैं तो अपन को नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है और कैमरे के सामने अपन मन चाहे वैसे बोल सकते हैं जी। तो मानते हैं कि फैंस जो होते हैं उनका एक होता है कि हमारे सामने बैठ के वो बोले या हमारे सामने खड़े होके बोले, तो हमें उनको देखने का, उनके बोलने का तरीका पता चले कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे मतलब सब करते हैं। तो उन सब के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब एक वहाँ पे खड़े होके बोलना एक बहुत अलग बात है और यहाँ पे बोलना बहुत एक अलग बात है, वही सवाल वही है जी। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ कि उनको नाराज नहीं करूँ, नाराज, और मैं उनके सामने भी जाके बोलूँ करूँ, तो बहुत जल्द हम आएंगे स्टेज पे भी बोलने के लिए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में जाहिर सी बात है कि सभी लोगों का हर बार, हर वक्त, हर जगह अच्छा रिश्ता नहीं रहा होगा, ये सवाल आज सारे कलाकारों के लिए होता है, आपके लिए भी है, बस आपसे पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि क्या कभी आपको यह रियलाइज़ हुआ कि इस इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करके कोई ऐसा या कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या जो ये नहीं चाहते हैं कि ट्विंकल वैष्णव आज जिन ऊँचाइयों पर है वो पहुँचे वहाँ पर? ऐसे तो नाम तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, हम नाम नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ आपकी राय, आपका नज़रिया सुनना चाहते, हम किसी का नाम नहीं सुनना चाहते। होते हैं काफ़ी हैं जो हैं काफ़ी हैं जो नहीं चाहते हम आगे बढ़े या हम करें कुछ, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आपने कर लिया और हम करना चाहते हैं, तो आप अगर रोकना चाहते हो, हम रुकने वाले नहीं हैं, आप अगर चाहते हो हमें आगे बढ़ाना तो आप बढ़ा भी सकते हो, और अगर चाहते हो रोकना तो भी रोक सकते हो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। क्या बात है, सटीक। आगे अगर बढ़ के बात करते हैं तो ट्विंकल से ट्विंकल वैष्णव बनने तक का ये जो सफर आपका रहा है और ट्विंकल वैष्णव के बाद कॉमेडी किंग का टैग पाना जो आपका रहा है, अगर एक ही बार में कहा जाए तो इस सफलता का श्रेय, क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे आप? अगर बचपन से लेके अभी तक का तो सबसे पहले श्रेय मेरे पापा को देना चाहती हूँ जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, उनके बाद का श्रेय मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरे आइडल जिनको मैं मानती हूँ, जिनको मैं मतलब सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मेरे पापा के बाद उनको रखना चाहती हूँ। अगर मेरे पापा भी खड़े होते अभी और वो खड़े होते तो सबसे पहले मैं उनके पैर को हाथ लगाती, फिर मेरे पापा को पैर का हाथ लगाती,
वो है सज्जन सिंह जी गहलोत जो पीआरजी के ऑनर है. मैं उनको ही देना चाहती हूँ श्रेय मेरा पूरा कि उन्होंने मुझे इतना आज तक सपोर्ट करते कर रहे हैं और करते आए हैं और बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने मेरे को, बहुत आगे तक लेके गए हैं और लेके जाएंगे और लेके जा ही रहे हैं. तो मैं मेरा श्रेय पूरा उनको देना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके अलावा कहीं काम करूँ. अगर मेरे को मौका मिला उनके साथ ज़िंदगी में और आगे काम करने का या मैं करना चाहती हूँ तो मैं उन्हीं के साथ करना चाहती हूँ. बहुत खूब. यानी कि अगर आपको आगे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जनरली हम इस लाइन में इसीलिए काम करते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, तो आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो आप वो नहीं करेंगे? प्रोजेक्ट मिलता है अगर वो अच्छा है तो मैं सबसे पहले सज्जन जी से डिस्कशन करती हूँ. आगे मेरे को मिले हैं काफ़ी प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने उनसे पूछा है. आज तक मैं सारे जो भी मेरे मतलब काम होते हैं, जो भी मेरे को मिलते हैं, आते हैं मेरे पास, कॉल्स आते हैं हर काम के लिए, तो मैं सबसे पहले उन्हीं से डिस्कशन करती हूँ. मैं उन्हीं से राय लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. तो मेरे आइडल है वो, तो मैं सब कुछ उनसे पूछ के ही करती हूँ. अगर वो कह देते हैं कि ये आपके काम नहीं आ सकते या नहीं कर सकते आप, तो मैं नहीं करती हूँ. अगर आगे मुझे अगर बड़ा काम मिलेगा और मेरे लायक का होगा और उन्होंने अगर कह दिया कि आप कर सकते हो या आप करो हम आपके साथ हैं, तो फिर मैं जरूर करूँगी. बहुत खूब. एक और सवाल है आपके लिए कि जो पूरे पीआरजी की टीम को लेकर हम चलते हैं, आपका जो शूटिंग का जो सारा काम है, लाइव शोज का सारा काम है, सब जो आर्टिस्टिक काम आप करती हैं, सबको हम एक एक घेरे में कैद करके आपको बीच में खड़ा कर देते हैं, तो वहां खड़ी रह के आप के सबसे मजबूत रिश्ते किन के साथ रहे और सबसे कमजोर रिश्ते किन के साथ रहे? सबसे मजबूत अभी तक जो रिश्ता है मेरा वो सज्जन सिंह जी गहलोत के साथ ही है. कमजोर अभी तक किसी के साथ नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को इतना किसी के क्लोज करती नहीं हूँ और ना ही मैंने किया अभी तक किसी से क्लोज कि मैं उनसे रिश्ता बना सकूँ किसी भी तरीके का. बाकी सबसे मेरे सब फ्रेंड्स है, भाई बहन जो भी मेरे को मानते हैं समझते हैं, सबसे अच्छे रिश्ते हैं मेरे. जी, आप अपने दिल की बात किनसे शेयर करती हैं? लाइक आप हम होता है ये बात नेगलेक्ट की नहीं जा सकती कि मेरे मन में कुछ नहीं आता, तो आपके मन में जब कुछ आता है तो वो कोई ऐसी बात जो आप सिर्फ अपने सबसे भरोसे वाले इंसान को शेयर कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात होती तो आप किनसे शेयर करते? बहुत पर्सनल सवाल है बट आप आंसर देना चाहे तो. जी, मेरी सगाई हो रखी है, साल भर हो गया उनसे बात करते हुए मेरे को. अब तो मैं उनसे बात शेयर करती हूँ, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मेरी खुशियाँ होती है, दुख होते हैं, सब उनसे शेयर करती हूँ. मैं उनसे राय भी लेती हूँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और उनसे पहले थे मेरे पापा और फिर हुए सज्जन जी, तो मैं सज्जन जी से पूछती थी, अभी भी पूछती हूँ. जो भी मेरे दिल की बातें होती मैं उनको बताती हूँ और जो भी मेरे को काम करना है क्या नहीं करना है मैं उनसे शेयर करती हूँ. अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ, जो दुख होता है वो भी बातें शेयर करती हूँ. तो सज्जन जी है और घर में मम्मी है, सबसे ज़्यादा मैं सज्जन जी से शेयर करती हूँ. ग्रेट. आपके फियांस और आपके जो मंगेतर हैं, बाकी बहुत ज़्यादा पर्सनली हम बात करेंगे, लेकिन आप दोनों और आपका काम जी, आप जो काम करते हैं उसको लेकर आप दोनों के रिश्ते कैसे हो? क्या उन्होंने कभी ऐसे बोला कि ये मुझे पसंद है या ये मुझे नहीं पसंद है, ये मत करो ये करो, इस तरीके का कुछ? कभी नहीं, वो खुश है आपके जी? काम नहीं, वो बहुत खुश है. वो तो चाहते हैं कि मेरा नाम और ज़्यादा हो. मेरे जब एल्बम आते हैं, कॉमेडीज आती हैं, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं. वो मतलब वो प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर कि आप मेरे होने वाले फियांसी हो, मेरे होने वाले पत्नी हो. बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं. बहुत बढ़िया. फैमिली से किस तरीके का आपका एटमॉस्फेयर रहता है इस काम को लेकर? आपकी मम्मी और भाई, नो डाउट, वो क्योंकि आप अपना घर चला रही है और उनको एक साफ तरीके से दिख रहा है कि ये करना ही है जी. और बहुत खूबसूरत काम करके आप अपना घर चला रही हैं जी, लेकिन दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी नज़र में आपका इस काम को लेकर क्या नज़रिया है? तब पहले मैंने जब स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, तब सबने मना किया था कि ये अपना काम नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इससे रिश्ता नहीं होगा, आगे बेटी है तू, तेरे को कैसे हम लोग रिश्ता करेंगे, कहाँ तेरी शादी होगी. जनरली जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम फेस करना होता है वो सब ने की थी मैंने. तो मतलब उस टाइम मेरे मामा वगैरह जो घर में जितने भी है, मतलब रोका तो किसी ने नहीं, लेकिन सब बोलते थे कि जैसा कि आपने बताया कि आपको सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है जी,
तो आपके फेवरेट या आइडल सिंगर जो बोल सके वो कौन है? अगर ऐसे देखा जाए तो अरिजीत सिंह है मेरे फेवरेट सिंगर जी. और पंजाबी लाइन के हैं सुखविंदर सिंह जी जी, और राजस्थानी लाइन के हैं कुलदीप जी ओझा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. अच्छा, आपने भी सिंगिंग की, आपने बहुत खूबसूरत गाने गाए हैं, हमने सुने भी हैं. उन सारे गानों में जो सिर्फ आपने गाए हैं, उन गानों में से आपका सबसे पसंदीदा गाना जो भी हो, उन उसकी दो लाइनें सुनना चाहेंगे. मेरा सबसे सुंदर गाना पसंदीदा सपनों है, सपना जो जी जी वो गाना है जी. बिल्कुल, दो लाइनें सुनना चाहेंगे जी. बिल्कुल. सपनों जगाए आधी रात में, सपनों जगाए आधी रात में, तने में बताओ मन की बात, घुर जाए माने भवर मिला दो, घुर जाए माने भवर मिला दो. बहुत खूबसूरत जी. ट्विंकल जी, राजस्थान में आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं जी. तो जो भी ये देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए कुछ बात करें, आप उनको अपनी तरफ से कुछ कहें, कोई भी आप मैसेज देना चाहें या आप उनसे कुछ बात करना चाहें, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों से बात करिए जी. मेरे फैन फॉलोइंग है तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह मिलता है उनसे. जब मैं शो करने जाती हूँ तो जब मेरा नाम अनाउंस होता है तो सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, सब लोग इतने मतलब जोर शोरगुल मचाते हैं कि बस अब आने वाले हैं, आने वाले हैं. तो मैं मुझे वो सब देख के बहुत बहुत हैप्पीनेस आता है मेरे अंदर से, और मेरे अंदर से इतना फील होता है मुझे कि हाँ अब मैं कुछ कर पाऊँगी. क्योंकि मतलब स्टेज पे आप जब जाते हो तो मतलब ऑडियंस जो बैठी होती है उस उन लोगों को मतलब आपके अंदर कितना मतलब आप उनको उनके नज़र में आप कितना मतलब कि कहाँ तक हो, वो देखना बहुत मुश्किल होता है. और वो हर किसी को मिलना बहुत मुश्किल होता है. मेरे को वो सब मिलता है क्योंकि मेरे फैंस हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव मिलता है मेरे को उन सब से. तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ और मैं उन सबको कहना चाहती हूँ ऐसे ही प्यार बनाए रखना, ऐसे ही मेरे को एक ऊपर तक चढ़ाए रखना. आपके लिए मैं बहुत कुछ करती रहूँगी. और राम राम सा खमा गणी. बहुत शुक्रिया जी. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ स्टूडियो में पधारे और हम कामना करते हैं आपके उज्ज्वल भविष्य की. जी जी, धन्यवाद जी. ये थी हमारे साथ राजस्थान की खूबसूरत अदाकारा और कॉमेडी किंग ट्विंकल वैष्णव. इसी तरीके से हम राजस्थान की कई शख्सियत को आपके सामने, उनके निजी जीवन को लेकर आते रहेंगे. तब तक के लिए बने रहिए टीना राठौड़ के साथ जीवन दर्पण मन की बात में. नमस्कार.